सबसे पहले तो हमने जो ये किया है कि फल जो है इस बार जो है वेट के हिसाब से लिया जाएगा, और उसको सख्ती से लागू करने के लिए हमने अपना जो है SOP बना दिया है। और मार्केट में जो है ट्रांसपोर्टेशन है या जो दूसरे और भी जो बागवानों के लिए जो करने की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, मंडियों में जो ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कोशिश। ऐसे वादा तो बहुत बड़ा किया था मोदी जी ने, वादा तो ये था कि बाहर के सेब को बिल्कुल बंद करेंगे, परंतु अभी बड़े लंबे अरसे के बाद सिर्फ ये कहा है कि इस पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो है थोड़ा बढ़ाएंगे। थोड़ा से काम नहीं होना चाहिए, शुरुआत अच्छी है और ज़्यादा होना चाहिए। इसमें तो समय लगेगा सेंटर को बनाने के लिए, परंतु बीच में जो है हम यूनिवर्सिटी में एक टेस्टिंग लैब जो है और डायग्नोस्टिक सेंटर जो है उसको शीघ्र बनाने की कोशिश करें। लीगल करना है या नहीं करना है उसके ऊपर विचार करना है, और उसका जो है ये कैनिबिस का जिसको मांग कहते हैं हम, उसका फ़ायदा प्रदेश को हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए एक स्टडी जो है के लिए हम उत्तराखंड जा रहे हैं, और उसमें हमारे जो है काफ़ी बहुत सारे हमारे MLA सेवान हैं, उसमें मेंबर्स हैं हमारे जो है अपोजिशन के जो MLAs हैं पोजिशन के हैं वो भी है उसमें, और हम जाके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लेवल पे काम जो है उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो वहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि भी कितना इसका जो है इकनॉमी जो है इससे स्टेट को हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर बांग जो है वाइल्ड में भी इसका पैदावार है, और जो मेडिकल वैल्यू है उसके लिए जो है आपको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जैसे पॉली हाउसेस में करना है। तो ये सारा स्टडी करके हम जो है गवर्नमेंट को जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे कि इसका फ़ायदा अगर हो रहा है तो इसको जो है हिमाचल में भी जो है किया जाए, क्योंकि केंद्र का जो कानून है उसमें बांग के लिए जो है स्टेट को जो है पावर दिया हुआ है, स्टेट चाहे तो इसको जो है लीगल रूप में इसके जो है पैदावार या इसका जो है इंडस्ट्रियल फ़ायदा जो है या मेडिसिनल फ़ायदा जो है उसके लिए मतलब लोगों को छूट दे सकते हैं।